मंगल रात्रि टू ऑल। अभी तक हम ये पढ़ते हुए आए कि हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने जो इम्फेसाइज किया वो हमने किया अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमने, या हम ये कहें कि जो इकोनॉमिक प्लानर्स थे और जो हमारे पॉलिटिशियंस हुए, उन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम सिर्फ मार्केट फोर्सेस के बेस पे या सिर्फ कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ही अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, या हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर हमारा गवर्नमेंट जो है उसका एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को कंसीडर करते हुए या गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए एक हमारा रेजोल्यूशन आया जिसको कहा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो हमारा 1956 में बना। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस टाइम पे हमें एक बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी, हमें एक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, और हम अपनी इकोनॉमी को सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड था। वहाँ पे हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया। तो हमारा एक ये रेजोल्यूशन बना। इस ये जो हमारा रेजोल्यूशन था, ये जो मेन, जो इसका जो एक मेन हम कहें कि एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंस थी उसको एक्सेप्ट किया गया, या हम कहें कि इट इज़ अ डिक्लेरेशन अबाउट द लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि इस चीज़ को माना गया कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना है, उसको डेवलप करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मस्ट है। और उसी के ही साथ साथ ये जो है ये हमारा एक माइलस्टोन था कि अगर हम, आप लोग पहले भी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अपना जो भी इन्वेस्टमेंट करती है या गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना। जबकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन एम क्या होता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो अगर हमारा ये जो रेजोल्यूशन था इसका जो एक मेन एम था वो क्या था, सोशल जस्टिस को क्रिएट करना, अ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि ग्रोथ हो इकोनॉमी में, लेकिन वो कैसे हो, उसी के ही साथ साथ जो हमारा सोशल जस्टिस है यानी कि सामाजिक हित, सोशल वेलफेयर भी नेग्लेक्ट नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर, क्योंकि हम तभी हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तब डेवलप होना शुरू हुआ था, तो अगर हम उस टाइम पर ही अपनी इंडस्ट्रीज को कुछ बड़े हाथों में सौंप देते, या जो उस टाइम के ही कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को वो सौंप दिया जाता, तो हो सकता था कि जो होल्ड होता वो प्राइवेट सेक्टर का हो जाता। लेकिन गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर करना था। तो हमारा ये जो रेजोल्यूशन आया इसके कुछ जो मेन एलिमेंट्स थे या फीचर्स थे वो क्या रहे। पहला था हमारा थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि हमारी जो इकोनॉमी की जो इंडस्ट्रीज थी उनका डिवीज़न किया गया। ये जो डिवीज़न हुआ ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये डिवीज़न हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको हमने तीन डिफरेंट पार्ट्स में करेक्टराइज कर दिया, या हमने उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। वो किस तरीके से हुआ, पहली हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो थी कि दोज विच वुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि जो हमारा पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा, या हम ये कहें कि जो हमारी पहली कैटेगरी रही वो कौन सी रही, कि जहाँ पर एक जो ओवरऑल जो 100% कंट्रोल है वो किसका रहेगा, हमारे पब्लिक सेक्टर का या हमारे गवर्नमेंट का। जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी वो हमारी 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पर जो प्योरली जो होल्ड था वो गवर्नमेंट का था। जैसे हमारा डिफेंस हो गया,
हमारा केमिकल्स हो गए, हमारा रेलवे हो गया। आप सबको पता है कि रेलवे क्या है, जहाँ पर गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है, वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का होल्ड है, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये इस तरीके की कुछ 17 इंडस्ट्रीज ऐसी रही जिनको रिजर्व कर दिया गया कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, वहाँ पर जो भी होल्ड होगा वो गवर्नमेंट का होगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी रही हमारी, दोस विच कुड बी एस्टैब्लिश बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर वॉन्ट्स टू प्ले ओनली सेकेंडरी रोल। दूसरा जो कैटेगरी बनाई गई वो बनाई गई हमारी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल है और गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जहाँ पर जिन इंडस्ट्रीज को रन करेंगे, यहाँ पर हमारी वो कैटेगरीज आ जाती थी। जैसे कि यहाँ पर आ गया हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, और हम कहें हमारी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई। तो यहाँ पर दोनों का एक कॉमन रोल रहा। जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी वो कैटेगरी हमारी रही कि जहाँ पर जो हमारी पब्लिक सेक्टर से बची हुई जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, और जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी कि जो हमारी सेकेंड कैटेगरी से बची हुई थी, वो हमारी थर्ड कैटेगरी में आ गई। यानी कि यहाँ पर हमारी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि हम कहें कि हमारी फर्नीचर मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज जो थी उनको तीन कैटेगरीज में दे दिया। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि हमारी सेकेंड इंडस्ट्रीज जो थी या हमारी जो सेकेंड कैटेगरी थी, इसमें हमने कहा कि यहाँ पे दोनों हमारा गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने होल्ड अपना रखा यहाँ पर, यानी कि जो प्राइमरी रोल जो प्ले किया या यहाँ पर जो होल्ड जो रहा वो गवर्नमेंट का ही था। सेकेंडरी रोल प्ले किया यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को तब भी यहाँ पे अधिकार ज़्यादा नहीं दिए गए। तो इन सब का मोटिव क्या था, मोटिव यही था कि गवर्नमेंट का ये मानना था कि सिर्फ जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू इकोनॉमी पे अपना होल्ड ना करें, और वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को कंसीडर ना करें, सोशल वेलफेयर को भी यहाँ पर एक मेन जगह दी गई। उसके बाद में जो हमारा सेकेंड फीचर है वो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो लगाए गए, हमारे जो हमने क्लासिफिकेशन हुआ हमारा या गवर्नमेंट ने जो क्लासिफाइड किया है इंडस्ट्रीज को, उससे उसके ऊपर एक रोक लगी। लेकिन उसी के ही साथ साथ अब इतनी बड़ी कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे क्रिएट हो रही है, कौन किस तरीके की इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है, इस सब की जानकारी रखना जो है ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लाइसेंस पॉलिसी स्टार्ट की गई। उसके लिए अगर आप अपनी कोई नई इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, या हम कहें कि नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या आपकी कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था। लाइसेंस हमारा क्या है, एक रिटन अप्रूवल है कि आपको गवर्नमेंट ने एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ अब आप कहीं पे भी अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी था प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर उसको कहीं पर भी अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना है। अब ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी एक चलाई गई, इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम जो था वो था चेक ऑन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, कि ऐसा ना हो कि पूरी कंट्री में ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है वो ही डेवलप हो जाए। तो क्या होता कि मेन जो एम हो जाता वो फिर से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इकोनॉमी का पैसा जो है वो सिर्फ कुछ हाथों में ही रह जाए, इसलिए उन पे एक चेक लगाने के लिए, एक कंट्रोल लगाने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी को स्टार्ट किया गया। और दूसरा, गवर्नमेंट का जो फोकस था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह पर
सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन था, यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ग्रोथ हो लेकिन विदाउट सोशल जस्टिस। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी एक लाइसेंसिंग पॉलिसी शुरू करी। उसके बाद थर्ड क्या हुआ हमारा, इंडस्ट्रियल सोप। सोप का मतलब होता है कंसेशन। अब जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन लोगों के ऊपर हर तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगने शुरू हो गए, उन लोगों को बाउंड कर दिया गया इंडस्ट्रियल कैटेगरीज में, उनको लाइसेंसिंग पॉलिसी में बांध लिया गया। तो अब उन लोगों का इंटरेस्ट जो था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, क्योंकि उनको लगा कि हम तो इकोनॉमी में अगर एंटर भी कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे भी, हमें कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा लालच देना शुरू किया, उन लोगों को कंसेशन प्रोवाइड किया गया। अगर आप कभी भी आपने ये चीज़ नोटिस करी हो तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ द टाउन, हमारे शहर से बाहर लगी हुई होती हैं। तो कभी सोचा हमने कि ऐसा क्यों होता है, वो शहर में क्यों नहीं होती हैं? अगर वो शहर में हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, उनको लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, उनका मार्केट क्रिएट है वो उनको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जो कंपनीज हैं वो हमारी आउटर में एस्टैब्लिश होती हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उन लोगों को ये कहा कि अगर वो अपनी इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में या बैकवर्ड रीजन में वो एस्टैब्लिश करेंगे तो उनको कंसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे ये बात उनको भी समझ में आई कि ठीक है, अगर हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं हम थोड़ी सी परेशानी उठाएं और अपने इंडस्ट्रीज को शहर से बाहर लगाया जाए। तो उससे जो बैकवर्ड एरिया था वहाँ पे भी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिला। तो ये जो कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया ये दो तरीके से दिया गया। एक था टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे होता है हमारा फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, जहाँ पे टैक्स पे करने के लिए कुछ समय की छूट दे दी जाती है। कि ऐसा नहीं है कि हमें एक लिमिटेड टाइम में ही टैक्स पे करना है, बल्कि उन लोगों को टाइम प्रोवाइड कर दिया गया, उनको एक फ्रीडम दे दी गई कि ठीक है व्हेन यू आर कैपेबल यू आर फ्री टू पे द टैक्स, आप उस टाइम पे टैक्सेस को पे कर सकते हैं। और दूसरा सब्सिडीज्ड पावर सप्लाई, यानी कि जो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई या उनको जो पावर सप्लाई दिया गया वो उनको सब्सिडाइज, यानी कि उसके ऊपर उनको आर्थिक सहायता दी गई, उनको उसके ऊपर भी बेनिफिट प्रोवाइड किया गया। तो उसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर था वो तैयार रहा कि हाँ उसको जो भी हमारे यहाँ हमारी कंट्री का जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पर वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगा। तो इस रेजोल्यूशन के थ्रू जो गवर्नमेंट थी उसने अपने सोशल वेलफेयर को, गवर्नमेंट ने अपने सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए ये रेजोल्यूशन जो था ये वो लेके आई।